सर इसकी ब्रांचेज आपकी शिमला में है, एक आपकी शिमला में है, एक आपकी BCS में है, फिर आपकी एक है ढली टनल के पास और एक है लोअर बाजार से, चार ही होगी, एक सोलन होगी, एक हमारी कमेटी में। अभी आप सोलन में, सोलन में सर आपको 4 साल हो गए, 4 साल। तो हम खासियत कुछ बताना चाहते हैं, क्या खासियत जो आपको सोलन से हटके बनाता है बर्गर के मामले? सर हमारी सारी जो स्पेशल रहती है, हमारी सॉसेज अलग होती है सबसे, मतलब बात तो ये कि कितना क्वालिटी जा रहा है, क्या है, और हर चीज़ हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। आप देखें इस रेस्टोरेंट की कितना खूबसूरत ये रेस्टोरेंट है, तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा, खुशबू भी काफ़ी इसकी अच्छी लग रही है और सॉस वगैरह को टेस्ट भी करते हैं। जो इसका नाम जो हमने लोगों से बाहर सुना बिल्कुल 110% सही है कि ऐसा बर्गर पूरी सोलन में नहीं बन सकता। माई न्यू वीडियो, तो गाइस वीडियो होगी बहुत ही अच्छी, आज हम सोलन आए थे और बहुत ज़्यादा बारिश आज लगी है, तो भूख भी बहुत लगी यार, जाना क्या करें, वहाँ भी जा नहीं पा रहे, वहाँ तो काम नहीं होगा, तो बट भी लगे, तो हम सोच रहे थे सोलन का है क्या मशहूर रेस्टोरेंट है, जीरो एवरीवेयर, जीरो एवरीवेयर, हाँ यहाँ उसका मैंने खा लेते हैं। तो गाइस उसका मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना है, उनका एक ब्रांच उनकी शिमला में भी, शायद वहाँ से बात भी हम शायद करवाएंगे उनसे, शिमला में भी हाँ ऐसी जो उनकी ब्रांच खुली है, और मतलब जो उनका स्पेशल है शायद बर्गर है ना, बर्गर खाते हैं, बर्गर खाते हैं। इस वीडियो को आप स्किप ना करें, अंत तक देखें, तो चलते हैं, बारिश भी लगी है फिर, लेट्स गो गाइस। ये इसकी जो मैं लोकेशन आपको फ़िलहाल अभी बता देता हूँ, ये अपना मशरूम चौक है, मशरूम चौक से यहाँ 200 मीटर है, 200 की मीटर ऊपर, ये देखें आप, यहाँ दूसरे फ्लोर में इनका रेस्टोरेंट है, तो चलते हैं फिर, चलो आ जाओ। तो गाइस अब हम चल रहे हैं यहाँ, ये देखें आप कितना खूबसूरत, कितना आलीशान यहाँ ये इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है, तो यहाँ हम ये बात भी करवाएंगे, तो क्या कुछ इनका ये रहेगा, ये देखें आप, चुके हैं एंटर हम कर चुके हैं, ये डेकोरेशन आप देखें इस रेस्टोरेंट की कितना खूबसूरत ये रेस्टोरेंट है, तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ना, मतलब देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, ये देखें आप। तो गाइस हम आ चुके हैं, बड़े भाई राम राम, राम राम सर, कैसे कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। तो अपने कुछ रेस्टोरेंट के बारे में बताएं कुछ, एक कहाँ लोकेशन में सोलन में कहाँ जैसे हैं पूरी सोलन में? सर ये आपका राजगढ़ रोड पे शेयर प्लेट है, उसके ऑपोजिट हमारा रेस्टोरेंट है। अच्छी जी, तो इसकी ब्रांच के लिए होता है यहाँ है कि सर इसकी ब्रांचेज आपकी शिमला में है, एक आपकी शिमला में है, एक आपकी BCS में है, फिर आपकी एक है ढली टनल के पास और एक है लोअर बाजार से, चार ही होगी, एक सोलन होगी, एक हमारी कमेटी में। अभी अपना MMU में भी आपकी तो कब से MMU में, कब से हो? वो अभी सर रिसेंटली अपन हुई है, 2-2.5 महीने। अच्छा, और यहाँ कितना समय हो गया सोलन में? सोलन में सर आपको 4 साल हो गए, 4 साल। तो हमने इस रेस्टोरेंट का काफ़ी नाम सुना बर्गर के बारे में, हम लोगों से भी जाना कि बर्गर यहाँ काफ़ी अच्छा है, तो क्या उसके बारे में सच्ची वो बात है जो हमने लोगों से सुना? नहीं सर, बर्गर की स्पेशलिटी हमारी एक्चुअली है, उसमें क्या कुछ खासियत कुछ बताना चाहते हैं, क्या खासियत जो आपको सोलन से हटके बनाता है बर्गर के मामले? सर हमारी सारी जो स्पेशलिटी है, हमारी सॉसेज अलग होती है सबसे, मतलब बात तो ये कि कितना क्वालिटी जा रहा है, क्या है, और हर चीज़ हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि लोकल आपका है, सारा हमारा जितना भी हमारी प्रिपरेशन है सारी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अच्छा, तो काफ़ी हमने मार्केट में नाम सुना है काफ़ी इस रेस्टोरेंट का नाम भी, तो गाइस आज हम देखें क्या वो टेस्ट, क्या वो जायका मिल सकता है इस रेस्टोरेंट में, तो देखते हैं। एक भैया हमारे लिए कुछ स्पेशल बर्गर, कौन सा बर्गर आज हमारे लगाओगे आप? दो बर्गर सर हमारा आलू टिक्की बर्गर है, बेस्ट सेलर पर चलता है वेज में। अच्छा, ये आपको हम टेस्ट करवाएंगे, तो गाइस देखते हैं वो वाला बर्गर भी और आपको टेस्ट भी ज़रूर बताएंगे कि कैसा उसका टेस्ट होगा। बाकी सर हमारी होम डिलीवरी भी है, हर ब्रांच में होम डिलीवरी हमारी फ्री है, ऑनलाइन भी कोई ऑर्डर करे तो हम आपको फ्री होम डिलीवरी देते हैं, कोई हमारा डिलीवरी चार्ज ही रहता है, जो आपका यहाँ पे मेन्यू में रेट होगा वही उसी रेट पे हमारा फ्री होम डिलीवरी है। सोलन में कहीं पे भी चाहे आपका 55 रुपीज़ का भी ऑर्डर है तो भी हमारा फ्री डिलीवरी है। अच्छा, ये सोलन में कितने एरिया में आप जाते हो? मतलब शाम की हो गया, हमारा ओच घाट तक जाता है, हमारा लोनी तक जाता है, झुलांची तक जाता है हमारा ऑर्डर। अच्छा, सुमी यूनिवर्सिटी हो गया सारा हमारा, फिर आपका स्पाटू रोड हो गया, मतलब हर डायरेक्शन में, मतलब हमारा सारा ड्यू घाट हो गया,
ये मतलब भी जाता है तो हर ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं तभी आप बोल रहे कि फ्री डिलीवरी है, बाद में कोई ऑर्डर करें और आप उसका चार्ज इसी में जोड़ के जाए। नहीं सर, कोई चार्ज नहीं है, जो आपका मेन्यू है उसी का वही रेट है। अच्छा वही वही अच्छा, सोलन में भी और जो MMU में आपका वहाँ भी हमारा काफ़ी आना जाना, उस एरिया में कितना जाते हो आप लोग वहाँ भी कि यही है कि वहाँ रेस्टोरेंट में ही मिल सकता है वहाँ भी डिलीवरी वाला ऐसा हो? वहाँ पे सर मेन तो वहाँ से डिलीवरी का ही है, क्योंकि हमारा जो MMU में जितने भी वहाँ पे आपका हॉस्पिटल में हॉस्टल्स वगैरह हैं, बॉयज़ हॉस्टल में, वहाँ पे हमारी होम डिलीवरी रहती है। और बाकी जो वहाँ पे सिटिंग में भी है हमारे पास, वहाँ पे सिटिंग में भी आ सकते हैं। तो बर्गर के अलावा कुछ और भी होगा कि बर्गर ही सिर्फ? यहाँ बर्गर है, सैंडविचेस भी हैं, रैप्स भी हैं, फिर हमारा नॉन वेज में आ गया आपका हमारे लेग पीस हो गए, विंग्स हो गए, ये हमारे बहुत बेस्ट सेलर हैं। बाकी हमने पिज़्ज़ा भी स्टार्ट किया है, हमारा ऑथेंटिक पिज़्ज़ा है, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, जो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था, उसका भी हमारे काफ़ी अच्छे रिव्यूज है। और अभी मतलब अभी आपने स्टार्ट किया? जी सर। तो लोगों का क्या रिव्यूज पिज़्ज़ा को लेकर? पिज़्ज़ा के लिए सर एक थिन क्रस्ट है, ज़्यादा मोटा नहीं होता हमारा पिज़्ज़ा, खाने में भी हमारा फ्रेश जो हम बनाते हैं खुद ही प्रिपेयर करते हैं, कोई मार्केट से नहीं लाते हैं। चलो लाओ फिर और देखते हैं गाइस, अब आ चुका है हमारा बर्गर और इसको टेस्ट भी करेंगे। ओके सर, ओके, इसको इसका जायका चेक करते हैं, और क्योंकि इसका जो नाम सुना है कि नाम ही नाम है कि कुछ इसमें दम भी हो, भी आज हम चेक करेंगे, तो इसका हम देखते हैं। और ये हमारे पास, तो रोहित जी फिर करें स्टार्ट। तो फिर आप मेरे को खा के बताइए कि आपको कैसे लग रही है। तो हम सबसे पहले इसकी वो दिखा देते हैं, ये देखिए काफ़ी स्मूथ हो गया। मेरे वाला भी खोल दो। हाँ इसको ये अब देखने में तो बहुत ही ये स्वादिष्ट लग रहा है, बाकी इसको चेक करते हैं। जी बिल्कुल। तो भाई देखते हैं, सॉसेज भी काफ़ी है, टमाटो सॉस और टमाटर भी मुझे लग रहा है, और प्याज भी इसमें, और एक टिक्की भी है जी। तो काफ़ी अच्छा, खुशबू भी काफ़ी इसकी अच्छी लग रही है, और सोच के उसको टेस्ट भी करते हैं जैसा इसका जायका होगा। तो देखते हैं, तो भाई सब चेक करते हैं कैसा इसका टेस्ट होगा। जो इसका नाम जो हमने लोगों से बाहर सुना, बिल्कुल 110% सही है कि ऐसा बर्गर पूरी सोलन में नहीं बन सकता। ये आप चाहे लिख के ले लें, चाहे कुछ गारंटी ले लें मेरे से कुछ भी, अगर ऐसा बर्गर पूरी सोलन में कहीं आपको मिलता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा जायका जो सॉस इसमें डली है ये आप देख सकते हैं। मुझे नाम तो इसका पता नहीं, बट हटके कुछ सॉस है ये, पहली बार ये सॉस ही कहीं मिल नहीं सकती। और जो इसका टेस्ट है, काफ़ी बर्गर हमने खाए हैं पर ये बर्गर पहली बार मैंने टेस्ट किया है। नाम सुना था जी सर, उससे मतलब 10 कदम आगे का ही बर्गर निकला ये, बहुत बढ़िया जायका, बहुत बढ़िया टेस्ट, मतलब बर्गर तो बहुत खाए पर जो हमने बाहर नाम सुना था आज हमने खा के भी मतलब वो देख लिया, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। थैंक यू सर आपका, आप आए तो और आप, हम चाहेंगे कि अपने और फ्रेंड्स हैं उनको भी बताएं, आगे शेयर करें, तो हमारा ट्राई प्लीज़ एक बार मस्ट ट्राई करें हमारा ये चीज़। मतलब तो सोलन की पब्लिक को क्या आप कहना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? सर यही मैसेज है कि एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपका होम डिलीवरी का भी हमारा जो वो फैसिलिटी है उसका भी आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं जो भी है, और एक बार ज़रूर ट्राई करें, फैमिली के साथ आएँ एक बार, आराम से अच्छा हमारा एनवायरनमेंट है। और कुछ साफ़ सफाई के, हमने साफ़ सफाई भी सर यहाँ आपकी बहुत देखी, साफ़ सफाई के बारे में कुछ बताएं सर। साफ सफाई ये है कि जितना साफ रहेगा उतना ही कस्टमर आएगा, अब अगर गंद पड़ा रहेगा तो फिर आपका, बेशक आप जितना अच्छा चीज़ दे दो अगर गंद रहेगा तो वो उस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट जाएगा मार्केट, क्योंकि हम अभी आए हैं, मैं अगर झूठ नहीं बोलते, हम अभी एक बर्गर खा के आए, किसी रेस्टोरेंट में नाम तो नहीं लूँगा उसका, पर उससे तो 10 कदम आगे का ही है टेस्ट में भी। और जो हमने सबसे मेन बात यहाँ की लगी, साफ़ सफाई, जो इस रेस्टोरेंट की साफ़ सफाई जो इसको सबसे हटके बनाता है, तो साफ़ सफाई बहुत अच्छी आपकी है, जो आपका स्टाफ है तो सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा ऊपर, तो मतलब सोलन का ये बहुत ही मशहूर ये रेस्टोरेंट, हम उम्मीद करते हैं कि बनेगा। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से आप इसका नाम था बर्गर का, तो बहुत ही अच्छा इसका जायका भी है। तो अब इसको हम फिनिश करते हैं, तो
रोहित जी कैसा आपको लगा क्लीनिंग के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में कुछ कहेंगे आप कुछ है? क्योंकि ये देखिए जिस हिसाब से इनका नाम है और जिस तो सफाई के मामले में आप देखें साफ़ सफाई आप देख सकते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई यहाँ है। तो हम अपील करते हैं कि अगर आप सोलन में पढ़ते हो लिखते हो कुछ भी जॉब वगैरह करते हो तो आप देखते हैं साफ़ सफाई की एकदम चकोचक यहाँ काम है। तो आप जरूर जरूर, और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, मशरूम चौक के पास ये रेस्टोरेंट है। तो साफ चौक नहीं सर्कुलर रोड, हाँ सर्कुलर रोड के पास। तो ये देखें काफ़ी, और स्टाफ भी इनका काफ़ी अच्छा है और साफ़ सफाई के मामले में मुझे तो बहुत ही अच्छा ये लग रहा है।